हाँ बेटा, क्या हो गया? क्या हो बेटा? बेटा एसी वाले को 50 बार फोन कर दिया, आता ही नहीं है, क्या करें बेटा? हाँ अभी करेंगे, पापा करेंगे फोटो। अब लग रहा है मुझे कुछ करना पड़ेगा इसका। इसकी सर्विस अब मैं करूँगा खुद, तो आइए बताते हैं हम इसको कैसे करते हैं इसकी सर्विस। तो यार ऐसा है कि जब भी मैं इसकी सर्विस कराने के लिए इंजीनियर को बुलाता था, ये लोग आकर क्या करते हैं कि दो तरीके की सर्विस होती है, एक तो होती है ड्राई, एक होती है वेट। तो ड्राई सर्विस में ये क्या करते हैं, आकर इसको खोलते हैं, इसका फ्लैप निकाल हटा के इसमें से ये जालियां निकालते हैं, इनको झाड़ देते हैं, इनको बाहर ले जाके अच्छी तरीके से झाड़ के धो के फिर सुखा के वापस लगा देते हैं इसमें, और बाहर वाली जो आउटर यूनिट होती है, आउटर यूनिट को पानी से धो देते हैं। तो अंदर ये पानी का यूज़ नहीं करते, तो उसको बोलते हैं ड्राई सर्विस। दूसरी ये बोलते हैं वेट सर्विस, जिसके चार्जेस भी ज़्यादा लेते हैं। उसमें ये क्या करते हैं कि इसको खोल के इस यूनिट में ये वाला जो एरिया है ना जाली का, ये सारा इसको ये पानी से जेट से साफ़ करते हैं। अब इनका कुछ होता है जेट सा ला के उसको तरीके से साफ़ करते हैं, लेकिन मैंने एक देसी तरीका निकाला इसको साफ करने का, मैं आपको दिखाऊं। ये वॉशर, अभी मैंने इसको पूरा पानी से करके साफ किया है ये, और ये आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाऊं तो ये इसके अंदर जो गंदगी भर रही थी, अभी तो ये पानी ही दिख रहा है आपको, ये सारी गंदगी इसकी निकल चुकी है। देखिए अंदर की साफ दिखाई दे रही है, लेकिन इसको साफ करते हुए बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये काफ़ी सॉफ्ट होती हैं, ये जो ब्लेड्स टाइप की आपको दिख रही होंगी, ये काफ़ी सॉफ्ट होती हैं। अगर आप ज़्यादा ज़ोर से इसको प्रेस कर देंगे तो ये इस तरीके से मुड़ सकती हैं, तो इसको डैमेज नहीं करना है बिल्कुल भी, इस पर स्प्रे मारना है। और ये ध्यान रखना है कि इतने इससे इधर इधर का एरिया बहुत सेंसिटिव है, या तो कोई इस पे पॉलीथीन लगा लें, कुछ लगा के इसको कवर कर लें, उसके बाद ही इसको यूज़ करें इस पे। हालांकि जो इस टाइप का जो अगर आप ये यूज़ करेंगे प्रेशर से तो वो जाएगा ही नहीं, आप इस तरीके से यूज़ करेंगे तो इधर पानी जाएगा नहीं, लेकिन फिर भी सेफ्टी के लिए आप यहाँ पर एक पॉलीथीन लगा लें, और नीचे वॉल पर ज़रूर कुछ ना कुछ लगा लें, अदरवाइज़ पानी की छींटे, गंदे पानी के देखिए आप ये आ रही है ना, ये नीचे गिर सकती हैं। तो इस जाली को हमें पूरी तरीके से क्लीन करना है। क्लीन करने के लिए आप इससे पानी मार के क्लीन कर सकते हैं, और मैंने तो इससे पहले इसको क्लीन करने से पहले अपना वैक्यूम क्लीनर यूज़ किया था। वैक्यूम क्लीनर से पहले मैंने पानी से साफ़ करने से पहले वैक्यूम, मैंने सारा ही वैक्यूम किया था, उसके बाद फिर मैंने इस पर ब्लोअर से हवा मारी थी अच्छी तरीके से, तो इसकी सारी जो ऊपर की धूल थी वो निकल गई। उसके बाद मैंने ये इस प्रेशर वाले स्प्रे से इसको साफ़ किया। और दूसरा मैंने इसमें यूज़ किया है ये, मैं आपको दिखाऊं तो ये ब्रश, इस ब्रश से पानी मारने के बाद हम इस ब्रश से इसको इस तरीके से बहुत ही जेंटली कर इस तरीके से साफ करके सारी गंदगी इसमें नीचे निकल जाती है। तो ये आप देख सकते हैं इसकी अंदर वाली यूनिट की पूरी सर्विस हो चुकी है, और ये सारा आप हिस्सा सब साफ़ कर सकते। ये काफ़ी इसमें ना यहाँ पर पूरा ये काला हुआ पड़ा था, काफ़ी धूल जमी पड़ी, तो ये सारा भी हो गया साफ़। इसको अब हम एक कपड़े से पोंछ के, और ये अंदर की यूनिट हो जाएगी हमारी डन। इसके बाद हमें अभी ये धोना रह रहा है, इसको मैं पानी से धोऊंगा अच्छे तरीके से, और धो के सुखा कर फिर मैं इसको वापस इसमें लगाऊंगा और पोंछ के इसको बंद कर दूंगा, तो अंदर की यूनिट हमारी हो जाएगी डन। तो अंदर की यूनिट की सर्विस के होते हैं ये कुछ स्टेप। पहला, इसको पहला ऊपर से ही कपड़ा मार के इसको खोलें, खोलने के बाद इसमें से ये जालियाँ निकाल के इस जाली को अच्छी तरीके से बाहर ले जाकर झाड़ लें पहले, और उसके बाद इसको धो के साफ़ कर दें और सुखा लें। दूसरा स्टेप है, अंदर की इस ग्रिल को आप
अगर आपके पास वैक्यूम क्लीनर है तो पहले इसको वैक्यूम कर लें, इसमें से जितनी भी डस्ट है वो, नहीं है तो कपड़े से जितना हो सके जेंटली डस्ट सारी क्लीन कर लें। उसके बाद अगर आपको लगता है कि इन जालियों में गंदगी फंसी हुई है, ये चौक हुई पड़ी है, तो इस पर आप इस टाइप का एक स्प्रे लेके, इस टाइप का प्रेशर का स्प्रे लेके उसको पास ले जाके थोड़ा प्रेशर से मार के वो सारी गंदगी निकाल सकते हो, जैसे कि अभी मैंने किया है। और फिर तब भी ना निकले तो उसके बाद आप इस तरीके से ब्रश से जेंटली इसको जाली को साफ कर सकते हो। वापस पहुंच के इसको बंद कर दो तो अंदर की यूनिट आपकी हो जाएगी डन। अब करते हैं बाहर की यूनिट की सर्विस, तो आइए देखते हैं बाहर की यूनिट कैसे साफ करता हूँ मैं। तो दोस्तों एसी पूरी तरीके से वर्क कर रहा है, परफेक्टली वर्क कर रहा है, तो सर्विस सक्सेसफुल रही है हमारी। एसी की सर्विस करना यार कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही आसान सी चीज़ है, आप आराम से कर सकते हैं घर पे और अपने पैसे भी बचा सकते हैं और टाइम भी बचा सकते हैं, सबसे बड़ी चीज़। तो कुछ सावधानी बरतनी है, जैसे कि जब भी आप सर्विस करो तो पावर सप्लाई हटा के करो, लाइट नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। और दूसरा ये है कि कोई भी सेंसिटिव चीज़ छेड़ो मत, जितना मैंने बताया बस उतना करो, बहुत है। इससे आगे की कोई चीज़ आपको दिख रही है तो इलेक्ट्रिशियन को या एसी के मैकेनिक को बुला कर ही उससे सर्विस कराओ। तो दोस्तों ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो, आई होप आपको इससे हेल्प ज़रूर मिलेगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना। एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा आप लोगों से कि सावधानी ज़रूर बरतें, जब भी आप सर्विस करने की कोशिश करें तो पावर सप्लाई हटा के करें, यह है निशानी, ये बहुत शैतान है। ये बहुत देर से मुझे वीडियो नहीं बनाने दे रही है। आप हेल्प करोगे पापा की वीडियो बनाने में? हाँ अच्छा ठीक है, तो आप बताओ क्या कहना है।